संजरी एकेडमी, मेरा नाम जकाउल्ला। दोस्तों आज मैं आया हूँ डेरिवेटिव ऑफ अ पैरामीट्रिक फंक्शन। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बहुत दिन के बाद अभी मतलब सेहत याब हो गया अच्छे से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ अ पैरामीट्रिक फंक्शन, समझ में आ रहा है? तो देखो, जिंदगी तो इम्तिहान लेती ही है। अभी 2 से 3 महीने के बाद आप लोग का एग्जाम है और डेरिवेटिव हमारा खत्म ही नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ। तो जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए थे, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि पूरी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, आप जाके उधर लाइन से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ उसके आगे का पार्ट। और मैथ्स 1 इस साल मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ, खाली मैथ्स 2 के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मैथ्स 3 ही अपलोड नहीं हो पा रहे। तो कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोग को मैं वीडियोज़ दूँ पार्ट 2 के ऊपर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ अ पैरामीट्रिक फंक्शन, इसके अंदर कुछ थ्योरम में ये 1.4 का है, ठीक है। 1.4 में क्या बोल रहा है, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, सिस्टम को समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में, इफ एक्स एंड वाई आर एक्सप्रेस एज अ फंक्शन, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? मान लो कि एक्स और वाई क्या है, एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल टी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मैं इन जर्नल की बात कर रहा हूं, और कोई भी फंक्शन हो सकता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? एक्स और वाई कोई भी फंक्शन हो सकता है, टी जो दे रहा है वो इन जर्नल की बात कर रहा हूं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, समझ में आ रहा है? सम वेरिएबल टी से एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, से एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, देन दीज इक्वेशन आर सेट टू बी रिप्रेजेंट बाय पैरामीट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पैरामीट्रिक फंक्शन है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। ये सिस्टम क्या बोल रहा है, मानने बोल रहा है कि मान लो कि एक्स और वाई क्या है और एक फंक्शन है और उसका एक सम वेरिएबल टी है, और ये क्या बोल रहा है, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, जो हम फंक्शन की बात कर रहे थे, जर्नल इन जर्नल साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक्स जो भी हो सकता है, अल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कि मान लो कि एक्स क्या है, कोई भी फंक्शन है और वाई भी कोई भी फंक्शन है, then these equation, इस तरीके की दो equation होगी, then these equation are said to be represent a parametric function, the variable t, जो इसके अंदर variable रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, parameter ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, parameter, so these variable t is called as parameter। ये तो definition हो गई, समझ लो। for example मान लो कि मैं अपनी मर्जी से लिखता हूँ x is equal to sin theta plus 5, ये एक equation लिख दिया, और y is equal to लिख रहा हूँ e raised to y प्लस 9, मान लो ये एक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है x, और y क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये जो है, ये दो इक्वेशन है, समझ में आ रहा है? ये दो इक्वेशन को हम क्या बोल सकते बेटा, ये दो इक्वेशन को हम बोल सकते कहां गया, पैरामीट्रिक फंक्शन बोल सकते, क्या बोल सकते इसको, पैरामीट्रिक फंक्शन बोल सकते। और जो इसके अंदर वेरिएबल, ये इक्वेशन के अंदर कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, थीटा वेरिएबल यूज हो रहा है, और ये वेरिएबल के अंदर क्या यूज हो रहा है, ये वाई को हटाते हुए मैं थीटा लिख देता हूं, इधर भी क्या यूज हो रहा है, थीटा यूज हो रहा है। तो ये जो वेरिएबल है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर, क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे, समझ में आ रहा है? ये डेफिनेशन था। अब हम लोग थ्योरम की तरफ बढ़ते, थ्योरम में जब तक कि थ्योरम नहीं समझे जब तक 1.4 हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम, पैरामीट्रिक फंक्शन तो समझ में आ गया हम लोग को, पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है, और पैरामीट्रिक फंक्शन और पैरामीटर किसे कहते हैं, वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल को ही हम क्या कहते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, और उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं, समझ में आ गया इतना। अभी तक ध्यान देंगे थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, इफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, ये एफ और जी जो है ना, लाइफ में याद रखना, ये जर्नल की बात कर रहा है, कभी भी थ्योरम पढ़ना तो जर्नल के हिसाब से पढ़ना, कि कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन जैसे कि मैं इधर एग्जांपल लिया, कि मान लो कि एक्स कोई भी फंक्शन है और वाई कोई भी फंक्शन है, इफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, मतलब एट ऑफ टी, मतलब क्या है कि ये जो दो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल फंक्शन मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो, जिसका हमें पता हो, समझ में आ रहा है, ऐसा डेरिवेटिव जिसका हमें, ऐसा फंक्शन जिसका हमें डेरिवेटिव पता है उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते हैं। मान लो कि उसका वेरिएबल टी है, देन
dy by dx is equal to होगा, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब तक कि हम लोग जो भी डेरिवेटिव निकाल रहे थे वो एक ही फंक्शन था उसका विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x कर रहे थे, विथ रिस्पेक्ट टू y है तो y कर रहे थे, t है तो t कर रहे थे। लेकिन अभी यहां पर दो फंक्शन दे दिया है और फाइंड करने बोलेगा कि डेरिवेटिव फाइंड करो, तो आप लोगों को कैसा करना पड़ेगा, पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा फिर इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या dy by dx is equal होगा dy by dt divided by dy by dt। मतलब देखो इधर ध्यान देखिए, कुछ इस तरीके से है dy by dt फिर ये whole divided by फिर dx by dt। मतलब पहला y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको समझेंगे पहला। समझ में आ रहा है? y का फंक्शन ले रहा हूं मैं, y का डेरिवेटिव ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू t और x का डेरिवेटिव ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू t। ये dt कैंसिल हो गया तो dy by dx ही बचेगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो हम लोगों को कैसा प्रोसीड करना है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है या इसका डेरिवेटिव निकालना है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। पहले इसी का निकालना है या इसका निकालना है, मतलब दोनों का डेरिवेटिव निकालना है। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूं, दोनों का डेरिवेटिव निकालना है और इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग को पुट कर देना है, हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकल जाएगा। समझ में आ रहा? जो भी दो इक्वेशन रहेगी एक्स एंड वाई, पी एंड क्यू, जो भी ये वेरिएबल रहेगा उसका दोनों का डेरिवेटिव निकालना है और इस फॉर्मूले के अंदर पुट अप कर देना है, हमारा डेरिवेटिव निकल जाएगा। ये थ्योरम को लिख के लो, हम लोग एक अप्लाइड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। ठीक है एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड dy by dx, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy by dx हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है x is equal to at square दिया हुआ है और y is equal to 280 square दिया हुआ है, ये दो एक्सप्रेशन है यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, t is a parameter। समझ में आ रहा है? अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। बताया था मैंने दोनों का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसका ही पहले निकालना है या जरूरी नहीं कि इसका ही पहले निकालना है, एज योर चॉइस, आप लोग जिसका भी निकालो लेकिन निकालना जरूरी है। तो पहले चलो इसका मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया हुआ है हम लोग को, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव मैं कैसे निकालूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, मैं टी कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? यानी कि डीएक्स बाई डी टी, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, x का डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं। क्यों t ले रहे हैं? क्योंकि द वेरिएबल क्या है, t है। अगर उधर k रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू k लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पड़ेगा जो भी है, निकल गया थोड़ा समझ के लेने का माँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा नहीं चलेगा, कंटिन्यू। ठीक है, अच्छा पड़ेगा। तो x का हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है बेटा। तो a इज अ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। पहले मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, डी अपॉन डी टी, वो आवाज़ में बैठ चुका है, डी अपॉन डी एक्स, थोड़ा उसको आराम से बोल रहा हूँ मैं, डी अपॉन डी टी। किसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, देखो डी अपॉन डी टी लिखा, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये a इज अ कॉन्स्टेंट, a को मैंने बाहर ले लिया और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, x रेस टू n। बताया था मैंने x रेस्टूडेंट का फॉर्मूला, काफ़ी दिनों के बाद मैं आ रहा हूँ, मैं एक बार बता ही देता हूँ। बताया था मैं आप लोग को, देखो क्या था, n x रेस्टू n माइनस वन, याद आ रहा है कुछ पुराने वीडियो में मैंने कुछ सॉन्ग गा के बताया था, धीरे धीरे से जिंदगी में आना, माइनस वन हो के तू बोलो रे चले जाना। ठीक है, तो ये क्या है, x रेस्टू n का फॉर्मूला है। ठीक है, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये टू आगे आ जाएगा और टी का टी लिखा, टू में से वन गया तो कितना बचा, वन, वन को लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखूं तो उसको लिख सकता हूँ 280, ये क्या मिल जाएगा मुझे, डी एक्स अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है? इसका मैंने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक है, अभी मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना है बेटा, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इधर ध्यान देंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू 280 दिया हुआ है मुझे। समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू 280 दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ। तो क्या होगा बेटा, इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। तो मैं क्या लिखूँ, d अपॉन डी टी विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, y का कर रहा हूँ। तो उसको ऐसे लिखा, d अपॉन डी टी, द वैल्यू ऑफ y इज 280।
समझ में आ रहा है? सो फर्दर प्रोसीड, 2a इज अ कांस्टेंट, 2a इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा और t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ में आ, तो इसको क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये क्या मिल गया मुझे, dy बाय dt अकॉर्डिंग टू पैरामीट्रिक फंक्शन। समझ में आ रहा है? पैरामीट्रिक फंक्शन के डेफिनेशन में आप लोग को बताया था क्या होता है पैरामीट्रिक फंक्शन के डेफिनेशन, dy बाय dx इज इक्वल होगा dy बाय, ऐसा भी लिख सकते हैं dy बाय dt फिर डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ, या ऐसा ना लिखते हुए कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं कई सर टीचर लोग, dy बाय dt इज डिवाइडेड बाय dx बाय dt, ऐसा भी लिख सकते हैं एज योर चॉइस। तो dy बाय dt की वैल्यू क्या आई हमारे पास, dy बाय dt की वैल्यू 2a आई, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूँगा 2a इज डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आई 2at, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूँगा 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, बचा गया मेरे पास 1 अपॉन t बच गया, ये क्या मिल गया dy बाय dx बच गया, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको लिख के लो, 1.4 का पहला सवाल है, हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते, सेम वही करना अपने को, सेम प्रोसीजर है, कुछ हार्ड नहीं है, ये दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है हम लोग को, पैरामीटर क्या है यहां पर थीटा है, समझ में आ रहा है? अच्छा मजे की बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एकदम मजे की बात है, मैंने अभी अभी क्या बताया था, dy by dx is equal to, dy by dx is equal to, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ dy by dt is divided by dx by dt, बराबर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो थ्योरम मैंने बताया था। एक छोटा सी लॉजिक बताता हूँ मैं आप लोग को, मान लो कि x का डेरिवेटिव जीरो आया, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आया, तो क्या हम लोग dy बाय dx फाइंड कर सकते हैं? सोच के देखो, आ रहे कुछ समझ में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो कि दो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन समझ लो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव मेरे को मिल गया dy बाय d, इसका डेरिवेटिव अपने को जीरो मिल गया, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर सकते हैं या पैरामीट्रिक फंक्शन का? नहीं फाइंड कर सकते, तो इधर पुट करना पड़ेगा मुझे, मजबूरन जीरो पुट करना पड़ेगा इधर। मान लो इसका डेरिवेटिव समथिंग कुछ भी आया, एक्स वाई जेड जो भी आया, डिवाइडेड बाय जीरो, और डिवाइड बाय जीरो क्या होता है, नो एग्जिट, यानी कि इनफाइनाइट, ये हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, मतलब ये पैरामीटर जो भी पैरामीट्रिक फंक्शन जो भी पैरामीटर और पैरामीट्रिक जो भी फंक्शन है इसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, एक्स वाले वेरिएबल के ऊपर, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये जीरो हो गया तो ये ऑटोमेटिकली इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये तो था समझ लो एक राज था, ठीक है, तो मैं बता दिया, वैसा बताना नहीं चाहिए, गलती क्या, ठीक है, एडजस्ट करके ले लेना थोड़ा, किसी को तुम लोग मत बताना, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a cot थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, ये अपने को दिया हुआ है, बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cot भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cosec भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, a इज अ कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट, थीटा इज अ पैरामीटर, थीटा क्या है, वेरिएबल, पैरामीटर, अगर कोई पूछता है व्हाट इज पैरामीटर, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर पैरामीटर मतलब वेरिएबल, समझ में आ रहा, फंक्शन का वेरिएबल, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखना पड़ेगा, उससे पहले टी था तो टी लिख रहा था, अभी क्या है थीटा है तो थीटा लिखेंगे, समझ में आते, इधर लिख रहा हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा, किसका ले रहा हूँ मैं, एक्स का ले रहा हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा, एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज ए कॉट थीटा, ओके समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ए इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, बराबर समझ में, कॉट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो कॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर इधर एक्स रहता तो एक्स लिखता मैं, लेकिन फिलहाल क्या है थीटा है तो मैं थीटा लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसको मेरे को सिस्टमेटिक में लिखना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या मिल गया मुझे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये मैंने पहले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी मुझे दूसरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि मुझे ये लिखना पड़ेगा वाई इज इक्वल टू बी
कॉसेक थीटा, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, इधर मुझे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? ठीक है, अब मैं इसको क्या लिखूँ, डी अपॉन डी थीटा, किसका ले रहे अपन डेरिवेटिव, वाई का ले रहे, तो इधर लिखना पड़ेगा वाई, तो ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा, द वैल्यू ऑफ वाई इज दिस, क्या हो जाएगा बी कॉसेक थीटा। समझ में आ रहा है, बी इज अ कॉन्स्टेंट, बी बाहर आ जाएगा और कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो तो, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, यही फॉर्मूला है हमारा, इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना, तो क्या लिख सकते हो माइनस बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस को मैंने पहले लिख दिया, क्या मिल गया मुझे डी वाई बाय डी थीटा मिल गया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा, अभी इधर टी नहीं आएगा, इधर थीटा आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक्स वाला टर्म हमेशा नीचे आएगा, तो इधर ध्यान देंगे डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिली, माइनस बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या मिली, माइनस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट, ये मिला मुझे, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसल हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा एक बार है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कॉसेक थीटा एक बार है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है, यानी कि एक कॉस एक कॉसेक से एक कॉसेक क्या हो गया कैंसल हो गया, बचा क्या मेरे पास कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा, ये मिल गया मुझे डी वाई बाय डी एक्स मिला, और यहाँ पे क्या मिल गया मुझे बी बाय ए, समझ में आ रही, बी बाय ए मिल गया। अगर कोई बच्चा यहाँ तक के भी लिख के छोड़ता है तो उसको 100% फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ डेरिवेटिव को जितना ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करना है कर सकते हैं, नहीं करना है कोई मसला नहीं, फुल मार्क्स मिलेगा। अगर इसमें और कुछ अपने को बोलते ना मस्ती करना है अपने को इसके अंदर, और कुछ छेड़मछाड़ी करना है, तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो बी अपॉन ए, ये बी अपॉन ए लिख दिया मैंने, ठीक है, ये छेड़मछाड़ी कर रहा हूँ मैं और सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को सर मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, बराबर, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है वन है, वन अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है, साइन थीटा होता है, बराबर, होता है कि नहीं होता है भाई, होता है, देखो कॉट को मैं लिख दिया कॉस अपॉन साइन, और वन अपॉन कॉस थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास बी बाय ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपना हो गया मुझे डी वाई बाय डी एक्स मिल गया, समझ में आ रहा है, ये सिस्टम है और कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, ये हम लोगों को दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हम लोगों को डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है, एक्सरसाइज 1.4 का मैं पहले का तीसरा करा रहा हूँ, ठीक है, पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा चल रहा है अपना, क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड कॉमा वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम लोग को, उसको क्या करना है डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पर ए इज अ कॉन्स्टेंट और यहाँ पर भी a इज अ कॉन्स्टेंट, समझ में आ रहा है, ये अल्जेब्रिक अल्जेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, समझ में, मैं बताया तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अब a और a क्या है कॉन्स्टेंट है, m क्या है मेरा पैरामीटर, मतलब क्या बन जाएगा वेरिएबल बन जाएगा, और इसको हम लोग किसी के हिसाब से डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू m करना पड़ेगा, एंड इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं क्या लिखूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू m, तो क्या हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हो डी अपॉन डी एम, किसका डेरिवेटिव निकाल रहा हो एक्स का इज इक्वल टू डी अपॉन डी एम, द वैल्यू ऑफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, करेक्ट, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है, अच्छा ये एम है, मैं डी एक्स लिख दिया, ठीक है ये एम है, ये मिस्टेक्स, ठीक है, अच्छा इतना होने के बाद अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव में बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पूरे को क्या मानेंगे अपने माइंड के अंदर एक्स मानेंगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन एक्स होता है, नहीं वन अपॉन एक्स नहीं होता, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, ठीक है, समझ में आया, देखो ना डी अपॉन डी एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन
टू रूट एक्स होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले दूसरे तीसरे वीडियो में और काफ़ी हर वीडियोज में आया है ये मेरे फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अभी इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है तो क्या हो जाएगा बोले तो इज इक्वल टू, इसको एक्स मानो तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स क्या मेरा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जिसको मैंने एक्स माना तो एक्स है क्या, वो एक्स नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करेगा तो क्या हो जाएगा बोले तो इसका अगेन डेरिवेटिव ए क्या है मेरे पास कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है, फिर प्लस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2m होगा, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फाइनली क्या आंसर मिलेगा इज इक्वल टू, इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे ये 2m में 0 प्लस करें तो 2m ही रहेगा और 2m को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये 2 से ये 2 क्या हो गया चले गया, समझ में आ रहा है। अब जाने के बाद क्या बचा मेरे पास m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एम मिल गया, यानी कि पहले एक्सप्रेशन का मैंने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, समझ में आ रहा है, डी अपॉन डी एम मिला, ये एक्स लिख लिख के मेरे को आदत सी हो गई है। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी एम मिल गया, मैं इसको थोड़ा सा ये फॉर्मूले को रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इधर ध्यान देखिए मुझे किसका डेरिवेटिव लेने का है, अभी ये फंक्शन का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एम, इधर क्या होगा वाई इज इक्वल टू, इधर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एम, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एम, वाई का डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो वाई लिखा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एम, वैल्यू ऑफ वाई क्या है, वाई की वैल्यू क्या है लॉग ऑफ समझ में आ रहा है लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब ये लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन एक्स होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, ये इसको पूरे को एक्स मानेंगे अपने माइंड में तो क्या हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू, इसका अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जिसको मैंने एक्स माना तो एक्स तो था नहीं, उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा प्लस और एम स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा टू एम होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। इतना होने के बाद मुझे क्या करने का है, इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा बोले तो 2m डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये क्या मिल गया मुझे dy बाय dm मिल गया। करेक्ट, अभी मुझे क्या करना है खाली फॉर्मूले में पुटअप करना है और आंसर लेके आना है। फॉर्मूला क्या भाई dy बाय dx है तो उसको मैं क्या लिखूंगा dy बाय dm, dy बाय dm इज डिवाइडेड बाय dx बाय dm, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी इधर ध्यान देंगे इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एम की वैल्यू क्या है मेरे पास 2m डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी एम की वैल्यू क्या है m डिवाइडेड बाय रूट एम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अभी आप लोग को तो पता होगा बेटा x को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स, y को लिख सकता हूँ रूट वाई इंटू रूट वाई, जेड को लिख सकता हूँ रूट जेड इंटू रूट जेड, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, क्या मैं ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ क्या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिख सकता हूँ, आंसर विल बी सेम, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर वही मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ एडिशनल ऑपरेशन जो कि कट जाए, समझ में आ रहा है। देखो ये इसको नंबरिंग दे दिया मैंने 1 2, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, चौथा वाला दूसरे को काटता है तीसरा वाला पहले को काटता है, समझ में आ रहा है। तो इसकी जगह पर वो आप एक स्टेप लिख लेना नीचे, इसकी जगह पर मैं ये ना लिखते हुए क्या ये लिख सकता हूँ बेटा, ये लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, ये चौथा वाला दूसरे को काटता है तो एक अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है और ये कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, बचा गया मेरे पास फाइनली ये टू बचा इज डिवाइडेड बाय, और ये क्या बचा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बचा, ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं
बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते, क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू टेन थीटा। समझ में आ रहा है, ये हम लोग को दो एक्सप्रेशन दिया, हम लोग को क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। अब अपने को पता कैसे चले एग्जाम में कि सर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। जाहिर सी बात है कि जब भी दो एक्सप्रेशन दिया रहेगा और फाइंड करने बोला dy बाई dx, तो समझ जाना वही हाल अपना जिंदगी। एक गाने से याद रखना 1.4 मतलब जिंदगी इम्तिहान लेती है। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू टेन थीटा, ये हम लोग को सवाल दिया, हम लोग क्या फाइंड करने का है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव लेना है मुझे, तो डी अपॉन डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, x का x लिखा, d अपॉन डी थीटा, द वैल्यू ऑफ x इज साइन थीटा, सो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा होता है, ये मुझे मिल गया डी एक्स अपॉन डी थीटा मिल गया सर। अब मुझे किसका इसका डेरिवेटिव लेने का है सर, y इज इक्वल टू टेन थीटा का मुझे क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी थीटा, ये y का y लिखा, इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा, y की वैल्यू क्या है मेरे पास, tan थीटा है। समझ में आया, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ये क्या मिल जाएगा मुझे, d अपॉन dy बाय डी थीटा मिल गया। ये मुझे मिल गया दोनों एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। सो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय d थीटा इज डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा, करेक्ट। समझ में आ रहा है, dx अपॉन d थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, dx अपॉन d थीटा, द वैल्यू ऑफ dy बाय d थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, तो इधर मैं लिख दिया sec स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ dx अपॉन d थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, यहां पे मैं लिख दिया cos स्क्वायर थीटा, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया dy बाय dx। समझ में आ रहा है, अगर इसके अंदर और कुछ छेड़म छाड़ी करना, अगर कोई बच्चा यहाँ तक के भी लिख के छोड़ता है तो फुल मार्क्स मिलेगा, और इसके अंदर कुछ एडिशनल करना चाहता है तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा सर sec स्क्वायर थीटा इंटू, इसके बाद में कुछ नहीं तो 1 है, 1 अपॉन cos थीटा की वैल्यू होती है sec थीटा, बराबर हाँ या नहीं, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा क्या हो जाएगा, sec क्यूब थीटा, ये क्या मिल जाएगा मुझे, dy बाय dt dx, dy बाय dx मिल जाए। यहाँ तक के भी लिखे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक के भी लिखे है तो फुल मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा था, ठीक है, इसको लिख के लो हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते, क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b ब्रैकेट में थीटा माइनस sin थीटा। समझ में आ रहा है, ये अपने को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके दो तरीके, या तो डायरेक्ट कांस्टेंट a को निकाल लो, या तो मल्टीप्लाई करके फिर डेरिवेटिव निकालो, बोथ आर सेम मेथड। समझ में आ रहा है, इधर ध्यान देंगे, मैं क्या करूँ, डायरेक्ट a को क्या कर लूँगा, कॉमन निकाल लूंगा। समझ में आ रहा, इधर क्या है, थीटा क्या है मेरे पास, पैरामीटर है, मतलब क्या है, वेरिएबल है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, और a और b क्या है मेरे पास, कॉन्स्टेंट है। समझ में आता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी थीटा, किसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ मैं, पहला एक्स का निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या है मेरे पास, ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। समझ में आ रहा है, ए इज अ कॉन्स्टेंट, इसको ए को डायरेक्ट बाहर भी ले सकता हूँ, या तो मैं पहले मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को डेरिवेटिव दे सकता हूँ, दोनों ही तरीका सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए को बाहर ले लिया पहले ही, तो ए बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, ये माइनस एक्सप्रेशन का माइनस है, डायरेक्ट कॉस का डेरिवेटिव साइन मत लिख देना, समझ में आ रहा है, तो ये माइनस का माइनस लिखा, और कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब ये क्या हो जाएगा बोले तो, ए का ए लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा को इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये क्या मिल गया मुझे, डी एक्स अपॉन डी थीटा मिल गया, ये मुझे पहले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा हम लोग ध्यान देंगे, पे अटेंशन, y इज इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है बी ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको भी वैसे कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, इसको भी चाहे हो तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या तो कॉन्स्टेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, b को मैं कॉमन ले लेता हूँ, पहले मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
थीटा, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा। द वैल्यू ऑफ वाई इज, वाई का वैल्यू क्या है अपने पास, बी थीटा माइनस साइन थीटा, करेक्ट। इसमें कुछ डाउट समझ में आ रहा है, बी क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव की क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बी बाहर आ गया और ये क्या विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इधर भी थीटा है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव जिस हिसाब से एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था तो वन हुआ, इधर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इधर भी थीटा है तो इसका आंसर कितना आएगा वन आएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये मेरे पास हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। और इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को करना भी नहीं है, ठीक है। ये मुझे मिल गया डी वाई बाय डी थीटा मिल गया, समझ में आ रहा है, ये मुझे मिल गया, दोनों एक्सप्रेशन का मैंने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब मेरा काम क्या है, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, क्या है फॉर्मूला, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा इज होल डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा, द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी थीटा इज बी ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया बी ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा, समझ में आ रहा है, इज डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी थीटा इज ए साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ ए साइन थीटा। अगर कोई बच्चा यहाँ तक के भी लिखता है तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा बाबा, समझ में आ रहे है कि नहीं आ रहे है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, उसको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ और काला कांडी करना है अपने को, तिगड़म करने का है, समझ में आ रहा है, इसके अंदर कुछ तिगड़म करना है, मतलब यहाँ के गोवंडी की लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ एड़े चाली करने का है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, देखो मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, वन माइनस स्टार्टिंग में ही शायद आप लोग को याद है कि नहीं याद है पता नहीं, वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर दो थीटा था तो सर यहाँ पर एक थीटा आया, समझ में आ रहा है, इधर एक थीटा तो इधर कितना आ जाएगा, मैं बोलता हूँ वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो क्या होगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक आंसर अपना राइट है, समझ में आ रहा है। अगर कुछ और करना अपने को एडिशनल, मतलब बोलते हैं ना ओवर एक्टिंग, समझ में आ रहा है, ओवर एक्टिंग करना है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये बी का बी लिखा, ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता था टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, इधर लिख दिया मैंने टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय ये ए का ए लिखा। अच्छा मैं डबल एंगल फॉर्मूला भी देता था, साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको होता है डबल एंगल फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं बोलता इधर दो थीटा था तो इधर एक एक थीटा आया, अगर मैं बोलता हूँ साइन थीटा को एक्सपांड करो डबल एंगल के हिसाब से, तो आप लोग क्या बोलिए सर टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू लिख सकता हूं मैं, तो इसी तरीके से इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूं डबल एंगल के फॉर्म के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहां तक मैं क्या कर रहा हूँ एडिशनल काम कर रहा हूँ, यहां अपना फाइनल आंसर आ चुका है ऑलरेडी, ये टू से ये टू कैंसिल हो गया सर, एक साइन थीटा बाय टू 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 एक साइन थीटा बाय टू से एक साइन थीटा बाय टू क्या हो गया कैंसल हो गया, और मेरे पास क्या बच गया सर बी बाय ए बचा, और यहाँ पे साइन थीटा बाय टू यहाँ पे कॉस थीटा बाय टू, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन होता है, और इधर थीटा बाय टू होता है तो इधर थीटा बाय टू आ गया, तो एक हमारा फाइनल आंसर क्या मिल गया सर बी बाय ए टेन थीटा बाय टू, हाँ थीटा बाय टू बहन नहीं, ठीक है, ये भी एक हमारा ऐसा आंसर हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ तक करता है तो फुल मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक कर रहा तो वेल एंड गुड, ठीक है, इसको लिख के लो हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है लेकिन है नहीं, बहुत इजी है, समझ में आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अगर स्किप नहीं है तो, ठीक है, स्किप है क्या बेटा ये, नहीं ना, ठीक है। अच्छा ये क्या सवाल पूरा, क्वेश्चन नंबर सिक्स, x इज इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टी रेस्ट टू ए, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, अब यहाँ पर y इज इक्वल टू उल्टा कर दिया, इसका जो बेस था उसको पावर कर दिया, जो पावर था उसको बेस कर दिया, a रेस्ट टू टी प्लस वन अपॉन टी, समझ में आ रहा है दोनों एक्सप्रेशन में क्या फर्क है, जो बेस था उसको पावर कर दिया, जो पावर में था उसको बेस कर दिया, समझ में आ रहा है, ये दो फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सी मस्ती किया इसने, क्या किया मस्ती किया, क्या बोल रहा है वेयर ए बड़ा है जीरो से, चलो ये ठीक है समझ में आता है, उसने कंडीशन दिया ए की जो वैल्यू है जीरो से बड़ी है, फिर आगे क्या बोल रहा है
ए जो है एक के बराबर भी नहीं है। जब एक के बराबर नहीं तो डायरेक्ट बोलना भाई इतना क्यों मस्ती कर रहा है, तो डायरेक्ट बोल देना ए जो है एक से बड़ा है, बात खत्म हो गई ना। ये क्या बोल रहा है, मतलब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी भी है और एक के बराबर भी नहीं है, इतना बोलने का मचमच क्या है, डायरेक्ट बोल दो ए इज ग्रेटर देन वन, बात खत्म ना। उसके अंदर सब आ गया, दोनों कंडीशन आ गई, ठीक है। और टी नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन दिया हुआ है, इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, मेन अपना काम इसमें है, कारोबार इसमें करना है, ठीक है, अपना कारोबार इसमें सजाने के सेटअप करना है, ठीक है। दो फंक्शन दिया हुआ है, दोनों फंक्शन जो दो फंक्शन दिया हुआ है, कौन सा फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। अब हमने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको मैं इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, हमें इसका भी डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी ए एंड ए, ये क्या है कॉन्स्टेंट है, समझ में आ रहा है, ये क्या है कॉन्स्टेंट है। अभी इधर ध्यान देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसे कर रहा हूँ, टी से कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी, एक्स का डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं, समझ में, तो एक्स लिखा तो इधर लिख दिया मैंने डी अपॉन डी टी, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, टी प्लस वन अपॉन टी रेस्ट टू ए, समझ में आ रहा है। अभी ये जो है इसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू टी के, ये पूरे को अपने माइंड में क्या समझेगे, एक्स समझेगे, क्या समझेगे, एक्स समझेगे, क्या समझेगे, क्या समझेगे, एक्स समझेगे, क्या समझेगे, अरे बोलो ना बाबा, एक्स समझे, तेरा ध्यान नहीं था इसलिए मेरे को 3-4 बार बोलना पड़ा, क्या समझेगे इसको, एक्स समझेगे। तो एक्स रेस्ट टू एन, जिस तरीके से एन इज अ कॉन्स्टेंट, x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n x रेस टू n माइनस वन, एन क्या था कॉन्स्टेंट था, तो n पहला आ गया इधर भी a कॉन्स्टेंट, तो इधर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a पहला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो a x x को क्या माना हमें वन t प्लस वन अपॉन t रेस टू a माइनस वन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, पे अटेंशन, अब ये तो हो गया, इसका डेरिवेटिव मैंने क्या ले लिया, a पहले आ गया और उसको x माना था x रेस टू a माइनस वन, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या बाबा, वो x नहीं था, तो क्या करना पड़े उसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़े, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा वन प्लस, t का डेरिवेटिव हो जाएगा वन प्लस, और वन अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आप लोग को फॉर्मूला भी बताया था, याद है आया है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है टी स्क्वायर वन अपॉन टी, टी का डेरिवेटिव निकालने विथ रिस्पेक्ट टू टी, सेपरेट बता दे रहा हूँ मैं, ये टी इसके ऊपर पावर वन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी रेस टू माइनस वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा टी रेस टू माइनस वन और माइनस वन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भाई माइनस वन, और ये हम टी रेस टू माइनस माइनस क्या जाएगा माइनस टू हो जाएगा, तो क्या जाएगा माइनस वन अपॉन, ये टी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। इतना करने से बेहतर है, मैं आप लोग को एक ट्रिक बताया था जो मेरी वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने ट्रिक क्या बताया था, वन अपॉन टी रेस टू एन है तो उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या हो जाएगा मुझे इसका डेरिवेटिव, जैसे कि वन है तो क्या हो जाएगा वन अपॉन माइनस में टी रेस टू एन प्लस वन, यही फॉर्मूला बताया था मैंने, इसका डेरिवेटिव कोई भी इस तरीके का फंक्शन हो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम लोग पढ़ते ही नहीं तो क्या याद होगा, ठीक है, ये समझ के चलो, वन अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर होगा, ठीक है। इतना होने के बाद मैं इसके अंदर कुछ कर सकता हूँ क्या भाई, इसके अंदर कुछ कर सकता हूँ मैं, और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, खैर इसको यहाँ तक रखते अपन आगे देखते, ये क्या मिल गया मुझे डी एक्स अपॉन डी टी मिल गया, ठीक है, इतना बड़ा मुझे मिल गया, कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया, पहले फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव मिल चुका है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, किसका डेरिवेटिव निकालना है, वाई का, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट, मैं लिखूंगा नहीं डायरेक्ट, मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, इधर लिख रहा हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और किसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, वाई का ले रहा हूँ, और वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी अपॉन डी टी, y की वैल्यू क्या है मेरे पास, a रेस टू t प्लस वन अपॉन टी है, तो इधर लिख दिया मैंने a रेस टू t प्लस वन अपॉन टी, समझ में आ रहा है, ये ऐसा ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, इधर एक साइड ब्रैकेट लगा दिया। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा बेटा, a रेस टू x का फॉर्मूला, a रेस टू x के डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू x इंटू लॉग a, यही है डेरिवेटिव,
याद होगा तो आप लोग को तो पता होगा ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होता है। समझ में आ रहा है? तो इधर ध्यान देंगे, इसको ये पूरे को अपने माइंड में क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे, यानी कि टी प्लस वन अपॉन टी को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो ए रेस टू एक्स का फॉर्म बन रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ए रेस टू एक्स का सर डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। समझ में आ रहा? फॉर्म बना दिया मैंने, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको वापस से अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगेन डेरिवेटिव करे तो t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, माइनस 1 अपॉन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा। ये मुझे क्या मिल गया भाई, dy बाय dt मिल गया, यानी कि दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सी मैं रफ करता हूँ। ठीक है, इधर ध्यान देंगे, ये कंडीशन को रफ करो क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी किल्लत है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, क्या डेफिनेशन, dy बाय dx इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ मैं, dy बाय dt, dy बाय dt इज डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। क्लियर, द वैल्यू ऑफ dy बाय dt इज दिस, पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, a रेस टू t प्लस वन अपॉन t इंटू लॉग a इंटू लॉग a इंटू ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन t स्क्वायर। ये तो हो गया, इसकी वैल्यू सर इज डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास ये है। समझ में आ रहा है? इसको पूरा इधर कॉपी करो, सेम a ब्रैकेट में t प्लस वन अपॉन t रेस टू a माइनस वन इंटू वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। करेक्ट, ये संलग्न चले गया है ना, अरे गया कि नहीं क्या भाई, ये तो चले गया सर, और क्या बच रहा है मेरे पास। अभी तो ध्यान देंगे, a t प्लस वन अपॉन t इंटू लॉग a इज डिवाइडेड बाय a, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, t प्लस वन अपॉन t का पावर a इंटू t प्लस वन अपॉन t का पावर माइनस वन। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया बाय यूजिंग इंडाइसेस रूल। अगर a रेस टू m इंटू n है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a रेस टू m इंटू a रेस टू n। समझ में आ रहा है? सॉरी, इधर अगर माइनस, हाँ इधर अगर प्लस है, ठीक है, ये इंडाइसेस का रूल है बेटा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेवन्थ एट्थ में अपन ने पढ़े थे, इंडाइसेस का रूल बोलते। तो यहाँ पर क्या था, ये इसके ऊपर क्या पावर में क्या है, a माइनस वन है, तो मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ। अगर इन दोनों को वापस से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो a माइनस वन ही बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों बेस सेम है, ये कंडेंसेशन फॉर्म था, इसको मैं क्या कर दिया, एक्सपांडेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो इधर ध्यान देंगे, अगर नहीं भी करे, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि बच्चा यहाँ पर करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, मिलेगा उसको, आधा एक आध मार्क्स काट लेगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ज़्यादा इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, इतना होने का, ये ऊपर चले जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a रेस टू टी प्लस वन अपॉन टी इंटू लॉग a इंटू ये टी प्लस वन अपॉन टी का पावर माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, तो टी प्लस वन अपॉन टी ये ऊपर में आ गया तो प्लस वन हो गया, वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इज डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचा भाई, a इंटू ब्रैकेट में सर टी प्लस वन अपॉन टी रेस टू ए बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मैं और क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, मस्ती और मस्ती कुछ कर सकते क्या अपन, कर सकते भाई, a रेस टू टी प्लस वन अपॉन टी, a रेस टू टी प्लस वन अपॉन टी की जगह पर मैं y लिख सकता हूँ, ये इसके बराबर है, और सिंप्लीफिकेशन करने को अगर यहां तक भी करके बॉक्स बना दिए तो मार्क्स मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इसकी जगह पर मैं y लिख दूं तो और थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इतनी इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, y लिख दिया इंटू ये हो जाएगा log a इंटू, इसके अभी कुछ लिख सकते हैं अब, इसके अभी कुछ भी नहीं लिख सकते, तो इसको ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में टी प्लस वन अपॉन टी। समझ में आ रहा है? इसको ऐसा भी लिखिएगा तो भी चलेगा डायरेक्ट, या तो और कुछ करना है तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूँ, टी को टी से मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय टी, यही कर सकता हूँ, फिर डिवाइडेड बाय ये ए का ए लिखा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए का ए लिखा, टी प्लस वन अपॉन टी का पावर ए, टी प्लस वन अपॉन टी का पावर ए की जगह पर मैं एक्स लिख सकता हूँ,
तो ये वाले टर्म की जगह पे मैं क्या लिख दिया, x लिख दिया, मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा dy by dx। और इसको सिंप्लीफिकेशन करना तो मैं और भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि काफी जगह हो गई है। ठीक है, यहां तक भी करेगा तो भी चलेगा, यहां तक ये भी करेगा तो भी चलेगा, इसको लिख के लो हम लोग आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.4 का मैंने पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से 6 का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 7 और 8 आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टेक्निक के साथ, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, उसके ऊपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर कुछ एंगल्स दिया रहेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर लेके आना, वो बहुत मजा आने वाली है उसके अंदर। उसमें से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और, लाइक करो हमारे वीडियो को, शेयर करो एंड सब्सक्राइब दी माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।